हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन आईटेक अब हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ध्रुवीन। आज की इस ब्रांड वीडियो में बात करने वाले की हाउ टू फिक्स आईफोन लॉक स्क्रीन स्टेटस बार वाइट प्रॉब्लम। iOS 17 या तो iOS 18 यूजर में से कोई भी अपने लॉक स्क्रीन के अंदर टॉप पार्ट वाइट वॉलपेपर यूज करते हैं, इन सभी यूजर्स को स्टेटस बार शो नहीं हो रहा है। जैसे कि वीडियो में मैंने दिखाया है कि टॉप साइड यहाँ पे वाइट सेक्शन है, तो यहाँ पे आपका जो स्टेटस बार है जैसे कि वाईफाई, डेट, वो सभी चीज़ यहाँ पे विजिबल नहीं है। क्या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है? इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करोगे? सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक कमेंट से सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कर दीजिए। सॉल्यूशंस नंबर वन है कि आपको छोटा सा सेटिंग्स चेंज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स ऐप को ओपन करना है। यहाँ पे स्क्रू डाउन करके आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। एक्सेसिबिलिटी में अगेन आपको स्क्रू डाउन करोगे तो लास्ट ऑप्शंस मिलता है प्री ऐप सेटिंग्स। यहाँ पे आपको ऐड करने का ऑप्शन है, वहाँ से आपको होम स्क्रीन को सिलेक्ट करके ऐड करना होगा। अगेन आपको होम स्क्रीन पे टैप करने के बाद यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे स्क्रू डाउन करके स्मार्ट इन्वर्ट का ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे करंटली डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, उसको चेंज करके आपको ऑन कर देना होगा। इस तरीके से प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। एंड सेकंड सॉल्यूशन है कि आप जो टॉप साइड वाइट वॉलपेपर यूज़ करते हो उसको चेंज करके आपको टॉप साइड डार्कर वॉलपेपर को यूज़ करना चाहिए ताकि आपका स्टेटस बार विजिबल रहे। आई होप आपको वीडियो पसंद एंड हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम को फॉलो। ऐसी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।